नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर से। खबर राजधानी रांची से है, जहां गोलीबारी की जानकारी मिली है। राजधानी रांची में गोली चली है, कांके थाना क्षेत्र में गोली चली है। राजधानी रांची से आपको अहम खबर बता रहे हैं न्यूज 11 भारत पर एक्सक्लूसिव खबर। अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की और एक व्यक्ति को घायल कर दिया है। मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। बाइक सवार दो अपराधियों ने कांके के ब्लॉक रोड पर वेल्डिंग दुकान के पास एक व्यक्ति पर गोली चलाई है। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है, रिम्स में घायल व्यक्ति के इलाज के लिए भेजा गया है। हम खबर राजधानी रांची से बता रहे हैं, कांके थाने क्षेत्र में गोली चली है। रांची के कांके थाने क्षेत्र से यह खबर है, जहां अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी कर एक व्यक्ति को घायल कर दिया है। फिलहाल घायल को रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि वेल्डिंग दुकान के संचालक पर यह गोलीबारी हुई है। काके रोड से यह खबर आपको बता रहे हैं, घायल व्यक्ति को फिलहाल रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। राजधानी रांची से ये अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रांची के कांके थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना हुई है। अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की है और एक व्यक्ति इस गोलीबारी से घायल हुआ है। फिलहाल पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई और घायल व्यक्ति को रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दो अपराधियों ने कांके के ब्लॉक रोड के पास वेल्डिंग की दुकान के पास एक व्यक्ति पर हमला किया, जिससे व्यक्ति बुरी तरह से घायल है। फिलहाल उन्हें इलाज के लिए राजधानी रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया है। कांके थाना क्षेत्र में ये गोलीबारी हुई है, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई है। अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, अहम खबर आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें राजधानी रांची से है। कांके थाना क्षेत्र में गोलीबारी हुई है, एक व्यक्ति घायल है। अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की है, घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक सवार दो अपराधियों ने गोलीबारी कर एक इंसान को घायल कर दिया है। हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। इमरान, क्या कुछ ये पूरा मामला? देखिए, कांके थाना क्षेत्र के ब्लॉक चौक के पास अज्ञात जो बाइक सवार अपराधी थे, उन्होंने गोलीबारी घटना को अंजाम दिया। इस गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उसकी उम्र तकरीबन 55 साल बताई जा रही है। हालांकि गोलीबारी क्यों हुई और किस वजह से घटना अंजाम दिया गया, इसकी जांच घटनास्थल पर पुलिस पहुंच कर कर रही है। लेकिन जिस तरह से कांके ब्लॉक चौक के पास गोलीबारी मारी गई है, कहीं ना कहीं अपराधियों के द्वारा गोलीबारी करने के बाद वो फरार भी हो गए। इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही कांके थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले की तफ्तीश में जुट गई है कि आखिर गोलीबारी की वजह क्या है, किस तरह से अपराधियों ने अंजाम दिया। हालांकि अभी शुरुआती जांच में ये जानकारी मिल रही है कि आपसी विवाद को लेकर के काफी देर से कुछ विवाद चल रहा था, ऐसी विवाद के दौरान गोलीबारी की आशंका जाहिर की जा रही है। तो फिलहाल पुलिस घटनास्थल में पहुंची है, पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। घायल को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स भेजा गया है, जहां स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं आसपास लगे जो सीसीटीवी कैमरे है, घटनास्थल के आसपास के लगे जो सीसीटीवी कैमरे है, उनको भी पुलिस कंगाल रही है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे कड़ी को जोड़ने की कोशिश अब जी बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा इमरान, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो पुलिस की टीम मामले की पड़ताल में जुट गई है और घायल व्यक्ति को इलाज के लिए राजधानी रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।